तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था ने सर्व तेलुगु भाषी समाज को एक सूत्र में पिरोने का जो लक्ष्य साधा था वो आज पूरा होता नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत तेलुगु एकता सम्मेलन के रूप में हुई। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने अन्य और समाजों को एक बहुत बड़ी दिशा दिखाई है। इस संस्था के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी ने अपने तेलुगु भाषी सर्व समाज को एक सूत्र में पिरोकर एक खूबसूरत बहुरंगी माला बनाने का लक्ष्य साधा, जिसमें उनकी पूरी टीम ने भरपूर सहयोग दिया और 2.5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज यह संभव होता दिखाई दे रहा है। रविवार को संस्था के इस पुनीत लक्ष्य के पूरा होने की पहली झलक देखने को मिली, जहां अयप्पा मंदिर सेक्टर 2 के सभागार में सर्व तेलुगु समाज के प्रमुखों को साथ लेकर तेलुगु एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान गणेश की प्रतिमा पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात मंची कार्यक्रम के दौरान मंचस्थ अतिथियों का स्वागत सम्मान शौच रिपल और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। फिर शुरू हुआ समाज के मेघावी बच्चों एवं समाज के उत्तरोत्तर तरक्की की दिशा में प्रेरणादायक कार्य करने वाले गणमान्यों के सम्मान का। बारी बारी से इन सभी समाज के रत्नों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया गया। जहां इस कार्यक्रम की जानकारी संस्था के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी ने मीडिया को दी, तो वहीं संस्था के संरक्षकों ने अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी की दूरदृष्टिता को खूब सराहा और हर पल उनके साथ रहकर समाज के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में कार्य करते रहने का आश्वासन भी दिया। तेलुगु जनशक्ति संगठन का सोची है पूरे तेलुगु समाजों का एक मंच में लाना। आज से विगत 2.5 वर्षों से कार्य कर रही है। आज ये सोच के उपरांत सभी समाजों ने सहमति जताई है और हमारे संगठन के साथ उन्होंने सभी समाजों के लोग वचन दिए हैं कि हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलकर इस मंच के साथ हम तालमेल बनाए के रखें। पूरे समाजों को इस मंच में लाने के लिए उन लोग भरपूर कोशिश हम भी करेंगे करके उन लोग वादा किए। आज हमारा संगठन, हमारा जो सोच 2 वर्ष पूर्व था, आज हमारे इस कार्यक्रम से हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कितने वर्ष हो गए इस लक्ष्य को साधते हुए? तेलुगु जनशक्ति संगठन जब हम लोग संगठित के लिए करीब करीब 2.5 वर्ष पूर्व हो चुका है। पहले कार्यकाल हम लोग एक कार्यक्रम किए थे, उस कार्यक्रम में पूरे तेलुगु समाज के अध्यक्ष और सचिव का आह्वान किया था, उसमें मैक्सिमम सभी समाजों के लोग आए थे। कोरोना काल में हमारे इस कार्यक्रम थोड़ी सी विलंब हो गई। आज इस कार्यक्रम में पूरे 25 समाजों के 5-5 व्यक्ति हमने स्वीकृति ली थी। उनमें 5 समाजों से 5-5 व्यक्ति आए। अपने उद्बोधन में उन लोग साफ निर्णय किए कि इस संस्था इस मंच के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आपकी सोच के सोच मिलाकर इस संस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ मांगे भी रखी गई हैं, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, उस पर कैसे अमल करेंगे? इस संस्था के सबके एक विचार है कि इस संस्था से तेलुगु समाज को बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये संस्था इतनी विकराल रूप में पूरे समाज को संगठित करना लोगों के कहने की इतना आसान नहीं है, मगर आसान सब जब संगठित हुआ सब आसान लग रहा है। मगर एक सबकी आकांक्षा है कि इस संस्था से जुड़ने के बाद हमको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो हमने संस्था के अध्यक्ष के नाते मैं सभी के सामने में आज इस चीज़ को उजागर किए। हम जब संगठित होंगे, हम जो जो समस्या, जैसे हमारे एक तेलुगु भवन नहीं है, उस पर विचार करके तेलुगु भवन भी हम हासिल करेंगे। और एक हमारे इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति आकस्मिक अगर देहांत हो जाता, उस अगर 24 घंटे उसको रखने हैं तो कहाँ कहाँ मर्चुरी में घूमना पड़ता, किसी से वो डीफ्रीजर के लिए अपन को जाना पड़ता है। इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी क्या ये काम अपन नहीं कर सकते? हमने वादा किया कि हमको इस संस्था के माध्यम से पूरे संस्था के लिए, पूरे समाज के लिए डीफ्रीजर की उपलब्ध करा देंगे और भवन के, और इससे लिंकेड है कि सब जो वाहन छोटी छोटी संस्थाएं एकजुटते होने पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। हम सब हमारे अध्यक्ष महोदय के सोच के कायल हैं और हम लोगों ने सबने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम जिस जगह रहता है तेलुगु, वो उस जगह के उन्नति के लिए हमेशा काम करता है, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता है, ये उसका दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य से उसको दूर करेंगे, खुद की भी प्रगति के लिए वो लोग सजग रहें, एकजुट रहें और साथ में जहाँ पर भी रह रहे हैं उस समाज के उत्थान के लिए भी लगातार काम करें, समाज सेवक के रूप में तेलुगु की पहचान हो, ये कोशिश हम कर रहे हैं। स्वामी जी ने जो कार्य किया है, आज लगभग 25 तेलुगु भाषी समाज
एक मंच पे है, क्या लगता है कि आगे क्या होगा? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने हासिल की है, उनके मेहनत के हम सब कायल हैं। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है कि अब उस लक्ष्य को हम पहुंचाने में उनको हर संभव मदद करेंगे और इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। सारी तरह की सुविधाएं जो समाज को चाहिए वो भी मिलेगी और इस समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य सभी समाजों को भी हम लोग अपने साथ में कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में मदद। आज तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी भिलाई के सभी 25 सामाजिक संगठन द्वारा सभी के समाज से 5-5 अध्यक्ष पदाधिकारी लोग को बुलाया गया और इस यह उद्देश्य से बुलाया गया कि हम सब तेलुगु भाषी एक छत के नीचे आए और एक साथ एकत्रित होकर एक संगठित होकर कुछ करने की भावना से यहाँ आज उपस्थित हुए। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हम सब तेलुगु भाषी है, तेलुगु लोग यहाँ पे एक जगह एकत्रित होकर हमने एक बहुत ही मिलन समारोह का कार्यक्रम किया और काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात हुआ और बहुत ही आज एक मतलब एक त्यौहार टाइप का तेलुगु माहौल में हम शामिल हुए, सम्मिलित हुए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज सभी समाज के 5-5 लोग यहाँ उपस्थित हुए, आने वाले दिन में सभी समाज के लोग एक जगह एक साथ एकत्रित होकर भव्य रूप में एक महासभा के रूप में हम मनाएंगे। और मैं ये लक्ष्य को पिछले 2 साल पहले हमने लिया था, सभी मिलकर तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं संगठन एक संस्था द्वारा, इसकी संस्था के अध्यक्ष अप्पल स्वामी जी है और हम कुछ लोग जो भी सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं संरक्षक के रूप में इस संस्था में शामिल हुए हैं। सभी के सहयोग एवं योगदान द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाए आज मैं आप सभी को, और जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए उन सभी से भी आग्रह करता हूँ अगला कार्यक्रम में जरूर आए और पूरे भिलाई तेलुगु वासियों को फिर से एक बार बधाई शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और सफल बनाने के लिए। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा तेलुगु एकता सम्मेलन के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया और यह संदेश भी दिया गया कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है परंतु लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए तेलुगु समाज के अलग अलग दिशा में चलने वाले समाज को एकजुट होकर एक दिशा में चलना होगा, तब सर्व तेलुगु समाज का उत्थान संभव है। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था ने अन्य समाजों को भी एक बड़ी सीख दी है कि संगठन को मजबूत करने से समाज का विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।